and this is my first WordCamp talk, so yeah. So my topic is how WordPress helps me to float on the day. I hope it always stays like that in the present tense, because I love WordPress. And let's get started. What all began and how I came to it, because it's like I started in 2011, I was in college, so I had the luxury of spending the entire semester home after a surgery, knee surgery, and I was like, what to do? And a lot of money was spent. I can talk in Hindi as well. So how many don't understand Hindi? My colleagues for sure. How many do not understand Hindi? कॉलेज में जाते हैं कंप्यूटर साइंस करने के सर्जरी था तो पूरा सेमेस्टर मिल गया मेरे को क्या कहते हैं पॉलिटिकल कनेक्शंस थे तो वो बोला क्या कहते हैं प्रिंसिपल की दोनों नहीं बैठे हैं एग्जाम में उन्हें कैसे भी दे रहा हो जाएगा कुछ नहीं चुका है सर्जरी था पैसे वैसे लग गए लाख रुपये तो थोड़े लाख रुपये लगे तो मैंने लाए कमाने भी गए पैसे थोड़ी सेमेस्टर के भी पैसे दो ये भी दो कुछ करना पड़ेगा लोग मेरा सीनियर था उस टाइम मेरे से अच्छा लग रहा जो आठ फिगर में कमा रहा था उस टाइम साल के तो मैंने कहा यार कुछ तो कर रहा है सही जो आठ फिगर में कमा रहा तो मैंने उससे बात करी कहता है मेरी साइटें बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले काम करता हूँ साइटें बनाता हूँ और साइटें पेचमेंट करता हूँ तो मैंने सीधा मैंने कहा यार जो काम करते हैं अब अपना क्या था कि अपन कॉलेज के मिस्टर फ्रेशर रहे थे गाना वाने गाते थे मज़ा आता था जी क्या कहते हैं मैंने कहा यार चलान करते हैं मेरे पल में रहता था मेरे पड़ोसी का भाई जीएस टाइप के लोग हैं मैं मतलब थोड़ा डरपोक आदमी हूँ तो ऐसा हुआ कि पॉकेट मनी आती थी वहाँ से सर्जरी के पैसे भी बना लिए सेमेस्टर के पैसे भी बना लिए अब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था यहाँ पे तब कि इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं है अनएम्प्लॉयबल है तो मतलब कि ये नहीं है कि उनके पास नौकरी अपॉर्चुनिटी नहीं है बट वो यार हायर होना नहीं चाहते तो मैंने कहा यार ये नहीं करना अपने को 13 के बाद अब तो छोटे शहर में नहीं रहेंगे और किसी भी तरीके काम करने जाएंगे वो हुआ कि 13 में मैं क्या कहते हैं हैदराबाद निकल गया एक्टर की नौकरी कर रहा था वहाँ पे क्योंकि इतने साइट्स पे कंटेंट पेल दिया था घोस्ट राइटिंग कर रहा था और वही मुझे सबसे बड़ी बात यही मतलब मैं उधर पर चार दिन के लिए आया और मैं एक ही पैंट लेके आया और एक ही जूता तो मुझे पसंद नहीं आया ये मेरे पास चार शर्ट वर्ट और नहीं ला रहा तो मम्मी मेरी कहती थी यार नौकरी करनी है कैसे करेगा मतलब ये टेबल के नीचे नहीं देखता कोई ऊपर ऊपर शर्ट रहेगी टी शर्ट रहेगी टेबल के नीचे नहीं देखता और पता नहीं था इंटरनेट पे काम कर सकते हैं तो अब बुरा क्या कि ये समझ में आया करने से होता है गुलजार को पढ़ते थे तो गुलजार जी ने लिखा हुआ है कि करते की विद्या करने से आती है उसका एक लूज ट्रांसलेशन ये है कि अप्रेंटिसशिप मॉडल होता है जिसको आप ज्ञानी मानते हो तगड़ा मानते हो हेलो तो अप्रेंटिसशिप मॉडल होता है आप जिसको तगड़ा मानते हो किसी को तो गुरु बनाना पड़ता है तो पांडा अपनी फेवरेट फिल्म थी कुछ तो करना ही था उस टाइम तो क्या कहते हैं ये लूज ट्रांसलेशन है बट ऐसे रहेगा कि करने से ही होगा वाली बात है योगा वाला भी टॉपिक है बट मैं उसमें जाऊंगा नहीं बट करने से ही होगा अब आया कि चल यार काम ऐसा करना है जिसमें अपन अच्छे हैं ये नहीं है कि कोडिंग में घुस के आता जाता कुछ है नहीं अपने को तो काम वही करना था तो ऐसा हुआ अब ये बहुत बड़ा लेसन है कि बंगाली में कि तुम्हारे प्रिय रंग की मतलब कलर क्या फेवरेट है आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है या गलतियाँ और भी करेंगी मज़ा आएगा मतलब क्योंकि आपका जो फ्लेवर है ये सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली है कि आप अपना फ्लेवर आप ही ला सकते हो मतलब मैं कह दूँगा असरानी साहब मेरी जगह आके कुछ कर देंगे वही हो पाएगा बाकी असरानी साहब जीनियस हैं बट मेरी जगह आके मेरा वाला काम नहीं कर पाएंगे वो उसके लिए मुझे पेश होना पड़ेगा तो वो चीज़ है वो अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ा और कैसे हो कैसे करें मेरे तरीके से कैसे हो ये चीज अब चेंज ऐसा आया कि मतलब वहाँ पे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा था मतलब भेजा रहा था क्लाइंट्स के लोन पे तो जैसे फुटबॉल
प्लेयर्स भी यहाँ पे तो उसके बाद ये किया, फिर नौकरी छोड़ी, फादर साहब को हार्ट अटैक हो गया, घबराना पड़ा, फ्रीलांस किया, फ्रीलांस पे वही जो पहले जिनसे वेबसाइटिंग पकड़ता था उनसे वर्डप्रेस एडिटिंग साइटें बनाने लग गए। 2014 में मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी, बट मैंने साउथ कैलिफोर्निया की 80 से ज़्यादा वेबसाइट की साइट्स बनाई है। तो मैंने आज तक उसके बाद 14 महीने में मेरे को वाइन बेचना मिल गया वाला वाला वाशिंगटन में, जो जो मैंने पी नहीं था, मेरा वाइन का सीन था मेरे जीवन में, वही बेची है मुझे। अब उसके बाद वही हाँ, काम वाम मांगने में और ज्ञान मांगने में कुछ शर्मा ही नहीं, मतलब इस समय कई लोग होंगे जो अपने डीएम खोल के देखे मैं उन्हें बड़े बार पिंक किया हुआ है, तो मतलब मेरे को कभी शर्म ही है, शर्म तो आती है कि भाई ठीक है काम ही तो मांग रहे हैं या ज्ञान मांग रहे हैं, भाई तो ये अपने बता दे। अब ऐसा हुआ, उसके बाद कॉपी में लिखते रहने का शौक था, कुछ कुछ करना था बस अपने, मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मुझे अपने अलावा सारे लोग पसंद थे, इसलिए मैं क्लाइंट सर्विसिंग करता रहा, क्लाइंट सर्विसिंग करता रहा कि हाँ यार आपको जो आप पहुँचानी है मैं पहुँचा दूंगा, मेरे को ना दिन है ना रात है, मेरे को चौंकाती हैं अभी भी नहीं आता, तो और गलतियाँ करते रहे, यानी ये बंदा गंदा लग रहा है शायद पैसे ना दे, बट काम तो करना ही था, काम कर दिया, टाइम भी बिताना था, 3-4 साल ऐसे निकले। और वही फिर मतलब लोग ये सोच रहे थे कि घर में लुंगी बैठ के बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, जाता नहीं, आपने को भरवाई नहीं थी जीवन है, आपने दिन जी रहे हो, पैंट पहननी नहीं पड़ रही, और क्या कहते हैं आप आराम से काम कर रहे हो लैपटॉप पे, जब मन कर रहा है बल्ले मंगा के हमारे हो, तो और क्या चाहिए है ना। तो गलतियाँ ये होती रही कि गलत लोगों के साथ भी कभी बार काम किया, कुछ ऐसा काम भी किया जिसमें मन नहीं था, बस वही गलतियाँ, वहाँ इंटरेस्ट ढूंढा क्या करना चाह रहा हूँ, आगे क्या करना है, थोड़ा आगे सोचने की भी आदत है मेरे को कि यार आगे क्या होगा। तो वो आप भाई कि जो सब कुछ हो गया, अच्छे पैसे छाप रहे हो आप, कि यार ठीक है अब क्या करें, कोई बात नहीं आ जाती है, या एम बी ए कर ले या शादी। तो मुझे लगा कि कुछ तो करना, सिस्टम ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं स्पीकर थे यहाँ पे गौरव पारिक साहब, उनकी और अपनी इस मामले में बड़ी बात होती है कि यार वो कहता तू हर्बर्ट टाइप का है, मैं कहता हूँ भाई तू मेरे से है, तो वही चीज़ है। अब उससे बात मैंने कहा क्या करें यार, अपने को तो कोई ब्रांड ब्रांड हायर नहीं करेगा, अपन अपने पास तो कोई सीवी भी नहीं है, 2012 में भी सीवी बनाई थी मैंने, ब्लॉग के लिंक भेजे थे, उन ब्लॉग के लिंक गए तो उन्होंने मुझे हायर किया। और फनी चीज़ बताता हूँ, मतलब मेल राइटिंग बहुत बुरी है, लाइक इल आई एम एलिजिबल, यू कैन नॉट रीड व्हाट आई राइट फ्रॉम माय हैंड, एंड आई गॉट हायर आफ्टर दे टुक अ राइटिंग सैंपल, दे वांटेड टू एनालाइज द वे आई राइट, शायद उससे कैरेक्टर पता लगता है। अब ये रब जाने वो हमारे सीईओ साहब का कुछ झंडा था वहाँ वाले हैदराबाद में हुआ है, क्रेविंग क्या हुई, अब ऐसा था कि यार हमें लगता ही था कि तो अब अपने को लगता था यार अपने इतने योग्य ही हैं, अपने छोटे से शहर में यमुनानगर हरियाणा में आप इतना ही कर सकते हो, इससे बड़ा कर नहीं सकते हो, अपने को था इतना हो रहा है, साइटें बेच रहे हैं, न्यूज साइटें बनाता था मैं, बड़ा कुछ चीज़ें कर देते थे बेच देते थे, फिर एल्गो चेंज हो गए, गूगल अब आ गया, नहीं हो कि चलो इतना पैसा आ रहा है, इतना कुछ गेम कंट्री है, वर्डप्रेस चल रहा है, वूकॉमर्स चल रहा है, मतलब मेरे पास 40 लोगों की तो ऑथराइज डॉक्यूमेंट की API पड़ी थी, मतलब तो विश्वास लोग करते थे आपको उसी में, मतलब मजा आ रहा था। पर फादर साहब ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन पहले डाल रखी थी, इसमें नंबर रहेगा तो ये ले लियो भाई, तो वो था ही कॉन्सेप्ट जीवन में, कभी जल्दी कुछ चाहिए नहीं था। अब यहाँ पे बड़ी बड़ा कुछ कैसे करेंगे या और लोगों से कैसे मिला जाए, क्योंकि छोटे शहर में लिमिटेड ही था थोड़ा इस मामले में ज्ञान, क्योंकि ज्ञान पैसे से बड़ा है मेरे को ऐसा लगता है। तो बड़ा चैलेंज लिया, लोगों की साइड पर अपना कर रहे थे, अब मैंने कहा यार सामान वामान बेच के देख लेते ऑनलाइन, तो वो कौन सा आ गया ड्रॉप शिपिंग कर दी चाइना से US, बड़ा सामान बेचा, 5-6 साइटें बेच दी, फिर वो उसी के लिए कंसल्टेशन मिलने लगी कि चल यार तुम्हारा काम कर दे, तुम्हें पता था और आपको याद रखता है इसके, मतलब और पल्ले कुछ है नहीं सब साथी, और तो ऐसे रिस्क लिए कि यार चल तेरे साथ भी काम करके देख लेते हैं, मैं कॉलेज के दोस्त को हेल्प करी और 1.5 लाख का चूना लगा के भाग गया, 6 साल की दोस्ती भी सीख कर गई, तो ऐसा भी हुआ। अब स्टार्टअप्स के लिए काम करता था, आपकी राजस्थान गवर्नमेंट के लिए मैंने कॉपी बहुत बार लिखी है, अभी वो पोल्यूशन पे कुछ ग्रांट दे रहे थे इस लास्ट ईयर में, ऑटोमेटिक में आने से पहले मैं उनके लिए भी काम कर रहा था काफ़ी, तो मतलब लोग आगे आगे रिकमेंड कर देते थे,
अब ऑस्ट्रेलिया के दो टाइम जोनों में काम करा है, वैसे तो तीन है बट यूएस के भी तीनों में करा है, तो आपको कुछ ऐसे ही जीवन ऐसे ही रहा, पता ही नहीं क्या हो रहा है, जीवन है। अब सेल्फ अवेयरनेस स्पिरिचुअलिटी में आपके वहाँ पे खाली वक्त होता है, मतलब मेरी लाइफ में जो मेरे फिर को लगता है सबसे कामयाब आदमी है उन्होंने ये कहा खाली वक्त होता है अध्ययन करने के लिए, अंदर झांकने के लिए, क्योंकि रास्ते दो होते हैं, एक तो जानकार रास्ता और एक होता है जो आपको अनजान है, रास्ता पता ही नहीं है। तो जानकार रास्ते में तो गूगल मैप वाली लड़की के पास बहुत बढ़िया बोली जाती है और बट वो भी कोई पकड़ने के लिए मैप चाहिए। मैं आज अकेला 18 मिनट का सफर 36 में करके आया बट मैंने आपका आधा शहर देख लिया, तो वही चीज़ है, बट अगर मैं साथ होता तो शायद मैं ट्रैवल कर सकते, तो वो भी फनी है। अब क्या हुआ कि आप कैसे करें, कुछ तो करें, दोस्त आधे होंगे बताते थे ऑनलाइन ही, मैक्सिमम दोस्त थे मेरे अभी भी ऑनलाइन ही हैं सारे दोस्त, क्योंकि शहर वाले सारे या जो धंधे में लगा हुआ है, जो नौकरी कर रहा है वो बाहर है बेचारा, त्योहारों पर मिलता है धीरे में घर चलाने के लिए। अब बात आई कि ऐसे ऐसे हुआ जिससे भी हेल्प मांगी, ये स्टीव जॉब्स ने कहा था कि एक बार उसने एचपी में फ़ोन लगा दिया था कि यार मुझे मदद चाहिए, मुझसे हो नहीं रहा, तो वो कहता चल यार मैं बात करता हूँ, तो वैसी मदद मांगने में कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं, मतलब हर एक ने हेल्प करी है। और तो ये वर्डप्रेस कम्युनिटी की जीत है कि काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे लोग मिले। अब कैसे करें अपने आप को, और तो कहीं ना कहीं इंटरनल एक राज ये बचता है कि यार जो टेरिटोरियल नेचर और ईगो वाली नेचर होती है ना आदमी की, औरत मतलब सबकी, वो तब ऐसे करती है कि यार मेरा ये है। तो कबीर की एक लाइन है कि दुई को दूर कर दिल से अमन को होशियारी क्या, तो अगर मैं शायद होशियार होता तो मैं यमुनानगर से तो काम ना करता, तो क्यों मुझे ऐसा लगता है यार भी मुझे तो किसी के साथ जाना चाहिए बैंगलोर हैदराबाद, मुझे कुछ तो किसी के साथ ताकि लोग अस्यूम करें कुछ है ना, मुझे ऐसा लगता। बट ठीक है अपन अपने को लुंगी में खाना खाने मिल रहा तो क्या दिक्कत है, तो काइंडनेस का फंडा है यार। काइंड अब मैं आजकल सलाद खा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हो गया था पीछे शादी के घर में, तो दोस्त ने ऐसी बात कर रहा है काइंडनेस ज़्यादा जरूरी है सलाद से भी ज़्यादा, तो वही है थोड़ा काइंड होना जरूरी है अपने साथ भी, ऐसा नहीं आप अपनी गलतियों की सीख लगाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपने साथ भी काइंड हैं औरों के साथ भी काइंड हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं। कई लोग आपको ऐसा ओपिनियन दे देते हैं आपके बारे में जो इतना हेल्प भी कर जाता है और कई बार आपको डिप्रेशन में भी ले जाता है, तो ध्यान रखें आप अपने साथ भी काइंड हैं दूसरों के साथ भी काइंड हैं, सबको नोट भी कमाने हैं, कामयाब भी होना है, सबको हर चीज़ करनी है आई गेस, मतलब मुझे लगता है कि लोगों ने अपना प्रोफेशन फोटो में डाल डाल के इतना आसान बना दिया है, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ, जबकि हर चीज़ करनी बड़ी ही मुश्किल है, मतलब मुझे मेरे को मेरी एक भी ऑफलाइन कॉपी नहीं है तो मुझे वो बनाने में 6 महीने लगेंगे, समझ रहे हो, मतलब है ही नहीं। मेरा डॉक्टर कह रहा है भाई तुम फिर बिस्तर पे आ रहे हो, भाई अगर तुम्हें कुछ कंप्यूटर को छोड़ा ना तो कुछ करते हैं उसका भी कर रहे हैं, इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, और आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये फैक्ट है। आपको किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास भगवान है, भगवान का नाम है इंटरनेट और वो मिल जाता है। आजकल अंबानी जी का फ्री बांट रहे हैं क्योंकि पहले वो सोने की मूर्तियां लगवाते थे, अब उन्होंने कहा यार वो पुराना हो गया है, सब तो देखना पड़ेगा, मूर्ति देखने से नहीं आ सकते। तो फाइनल चीज ये है कि हरकत में बरकत है, कुछ तो करो, पता ही होता मुझे पता ही नहीं क्या करूँ, मुझे पता नहीं कामयाब होना है। अभी 2 साल पहले तक मेरे पे कुछ डेट वेट थी, फिर आगे भी कुछ डेट थी, तो मैं तो उसी के लिए कमाता था कि चल यार क्लियर करो इसे थोड़ा, एक दो हफ्ते मिलने बिना टेंशन के जियो, खर्चा आ गया तो पहले कमाने वाला भी था काफ़ी टाइम बीच में कि मतलब वरना कमाने नहीं है क्यों कमाना है। मेरा एक क्लाइंट था जो मैं बाद में मेरा क्या कहते हैं उसका मैंने 3-4 प्रोजेक्ट पार्टनर के काम करे, तो वो कहता है यार तेरी एक क्वालिटी है कि तुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि यार ये पैसे लेगा कि नहीं, तू विश्वास कर लेता है, बट वो एक ही बात करता हूँ मैं, एक बार थोड़ा मैं दोबारा नहीं करता, एक बार अगर आपका टेक अवे खाना स्वाद नहीं है मैं दोबारा नहीं आ रहा। तो मतलब ऐसा है कि तो हरकत में बरकत है। 14 में एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे अकाउंट में, 400 रुपये थे शायद 2014 की बात कर रहा हूँ, तो दिवाली आ रही थी उसके बाद याद हो चुकी है, बहन को भी कुछ देना था, मैंने बहन को कहा यार तेरा पिछला प्रोजेक्ट तो हो गया यार, मेरे को 15,000 रुपये चाहिए कुछ तो दे, तो उसने कहा यार ये काम कर ले, और मैंने कहा यार मुझे ये काम तो महीने बाद खत्म हो गया, ये मुझे ऐसा कर तू करवा दे कुछ सेटिंग, तो कहता हाँ यार है तो छोटा सा बट भैया वहाँ से जो दूसरा बंदा डिजाइनर इन्वॉल्व है वो कहीं लगाएगा, तो कह रहा मैं दिवाली से 2 दिन पहले कर दूंगा तो कमिट कर दे, मगर ठीक है
अपन ने फोन ले दिया भाई बैठ गया मैं, तो वो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नीड बेस्ड भी होती हैं, कुछ आप चाहते हो करना, कुछ आपको स्वाद लगती हैं चीज़ें आप इसलिए करते हो, तो कहीं ना कहीं तो हरकत है और वर्डप्रेस साथ है क्योंकि मिल रहा है घर से काम करने को, क्योंकि आप दूसरे के कल्चर में समझते हो कि सब में वही मतलब पंगे सबके साथ सेम ही है क्योंकि सब बड़े हो रहे हैं, सबकी उम्र बीतरी है, सब कहीं ना कहीं खींच रहे हैं अंत की तरफ टाइप्स, तो वैसा भी है। अब यही है कि टेक अवे या एक लास्ट चीज ये है कि अपने आप को ढूंढ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वही करिए, वर्डप्रेस आपके साथ है, कम्युनिटी का मजा है उसको बन जाते हैं, ऐसा करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, कोई सवाल हो तो पूछिए। यार आजकल तो सलाह ही चल रहा है, आजकल दिक्कत है। वो क्वेश्चंस ड्यूरिंग स्ट्रगल ऐसा भी हुआ होगा कि यार ये सब छोड़ दूं और जॉब पे लग जाऊं? ना 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 ना, गंदे लेवल का ऊपर गंदे, मतलब मैं इतना इंसान हैप्पी हूं मेरा, और वो आप टाइटल चूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक में, तो मेरा है हाई ऑन हैप्पीनेस, मुझे शराब की जरूरत ही नहीं है पहले ये बोला। हां, और मैंने में एक लाइन है कि पैसे देगा शायद मैं हो जाता उस टाइम, वो भी टाइम था यार, जीवन है अगर अगर आपने अलग अलग तरह के काम और अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम किया है तो आपको बहुत कुछ पकड़ लोगे आप उनसे, लोग ही अपने बारे में बताते हैं। एक टाइम ऐसा था मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, काम नहीं था या मन नहीं कर रहा था, तबियत खराब रहती थी काफी टाइम बीच में, तो वही कहता था कि यार तेरे को ज्ञान लेने के चक्कर में तो टाइम बड़ा वेस्ट करता है अपना। मैंने कहा रिसर्च सब मिला, सॉरी मैं फिर लेक्चर देने लग गया। हाँ, और कोई सवाल? उसमें कैसे का तो ये है कि मतलब 3-4 साल से ऐसा था कि जो मैं अभी करता हूँ वो मैं ऑलरेडी कर रहा था, बट ये वो स्काइप हैंगआउट फेस टाइम, मैंने फेस टाइम पे वीडियो पे क्लाइंट्स की साइट्स पे इतना मदद किया तो वो ये समझते थे यार 4 घंटे मेरे साथ लगा हुआ है साइट पे, इसको कुछ है ही नहीं करने को। वो कहता था मैंने चर्च जाना है, सुबह 5 से 9 बैठते थे हम संडे, कौन ही मिलता है संडे को काम करने के लिए, तो वो वही है ना बेचर वो जो लोग खरीद रहे वो चीज़ है। अगर बेचने का फ्रीलांस का सोच रहे हो, ऑटोमेटिक का सोच रहे हो तो तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा सा है उस पेज पे, उस पेज को 5 बार पढ़ना। मेरे को जिस फ्रेंड ने हेल्प किया उसने ये कहा था 5 बार पढ़, और उससे पहले मैंने बड़ी सारे मतलब प्रोजेक्ट्स भी अप्लाई कर रहे थे, मैंने कभी किसी चीज़ को 5 बार नहीं पढ़ा था यार। 5 बार पढ़ने से फायदा है, आप 5 बार पढ़िए, मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट है ना तो 5 बार उससे पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ आ जाएगा, नहीं तो अगले प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, वो हेल्प करेगा आपको मैं बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं बड़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ते ही रहिए।